अरे चुप बैठो खड़गे जी, प्रहलाद जोशी जी तो आपके प्रांत के हैं, उनकी बात को मानिए। क्या देखिए, हिज एक्सपेक्टेशन इज यू एक्ट लाइक अ स्टेट्समैन, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं। अरे मैं देखा हूँ यहाँ पर दिल्ली में क्या करते हैं, वहाँ कर्नाटक के गली में आके क्या करते हैं मुझे मालूम वो सब मालूम है मुझे। मैं ये मेरे जुबान से ये बात नहीं है, नहीं मेरी जुबान से ये बात नहीं है। खड़गे जी, प्राइम मिनिस्टर खड़गे जी नहीं अपने भाषण में कहे नहीं। आज दो विचित्र बात हुई, आपने एक सेकंड जरा प्लीज, आपने कहा इस सदन में और मैंने आपको कहा, आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कम वक्तव्य दिए हैं, ये आपने कहा, और आपने कहा कि फॉर्मल दिए हैं प्रेसिडेंट एड्रेस पर अदरवाइज। अब आज ज्यादा दे दिए तो भी आपको आपत्ति होगी, जेरामी डजंट नीड योर सपोर्ट, ही लीडर ऑफ द अपोजिशन, डोंट डाउन साइज द लीडर ऑफ अपोजिशन, गो अहेड सर, नो वन विल स्पीक। सर मैं ये मेरे जबान से नहीं आया, मैं लिख लिया हूं, जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे किस किस पॉइंट पे बोल रहे थे वो इस कागज पे लिख के बोल रहा हूँ। अगर ये फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में या फेडरलिज्म के बारे में अगर वो बात नहीं किए, अगर वो कहे तो मैं विड्रॉ कर लेता। देखो अरे मजबूत करने, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, आप मजबूत करने की बात किए लेकिन एक एक गवर्नमेंट को ऐसा गिरा दिए, हर गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गिरा दिए, कर्नाटक गवर्नमेंट को गिरा दिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को गिरा दिए, मणिपुर गवर्नमेंट को गिरा दिए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, आदरणीय खड़गे मिस्टर प्रधान, आदरणीय नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बड़े उदारता के साथ कहे कि आज जिस प्रकार के हमने शुरुआत कर रहे हैं एक स्टेट्समैनशिप दिखानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कॉम्पिटेटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में कहा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं सर, 2014 में मई महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लिए, तब 14 फाइनेंस कमीशन के निर्णय उनके सामने आया। 14 फाइनेंस कमीशन बने थे पिछले सरकारों में सर, 10% की क्वांटम जंप उन्होंने देखा नहीं, किस राज्य ने उनको वोट दिया या किसी ने नहीं दिया, नहीं देखा सर। हमें ये क्या कहते हैं, वर्षों तक इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी दिल्ली में शासन किया, कैसे राज्यों को शासन कर रहे थे, मैं सर आसाम का उदाहरण देना चाहूंगा सर, ये कैसे चाहिए शासन कर रहे थे। ये तो सर ये क्या है, ओनली लीडर ऑफ द अपोजिशन नाउ, ओनली लीडर ऑफ द अपोजिशन टेक अ सीट। सर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं जब बात करता हूँ अगर वो गलत है तो बाद में उठ के बात कर सकते हैं। वो हमें यहाँ पर कंपटीशन चलती है, कंपटीशन इस बात की चलती है। आप मुद्दे पर आइए। नहीं नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं तो ये कंपटीशन बढ़ता है। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम सब जरा होशियार रहिए साहब, कौन आपके पीछे सपोर्ट करते है कौन आपके सामने बात करते है इसका थोड़ा आप ऐसा है खड़गे जी, सर ये खड़गे तो जी विषय पर रहिए वरना बात दूर तक जाएगी, इतनी दूर तक जाएगी कि वापस नहीं आएगी। कौन नेता आता है, कितना प्रभावित होता है, सदस्यगण कितना बोलते हैं, ये सबको पता है। तो प्लीज ऑन द सब्जेक्ट सर, ये जो है बहुत से स्टेट में स्टेट में कमजोर उनको किया जा रहा है। एक तो जीएसटी जल्दी उनको मिलती नहीं, मनरेगा का अमाउंट टाइमली नहीं जाता, और उनके जो समस्याएं हैं चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, उनको जो ग्रांट टाइमली मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अगर वो नहीं मिला तो क्या आप फेडरल स्टेट्स को, जो स्टेट्स हैं उनको कमजोर किए जैसा होता या मजबूत किए जैसा होता, आप ही बोलिए। तो ये और दूसरी चीज मैं बोल रहा हूँ साहब, आप डेमोक्रेसी पे विश्वास रखते हो,
डेमोक्रेट लोकतंत्र के अनुसार चलना चाहते हो और आप लोकतंत्र के बातों के लिए इतने हैं कि हमने ही किया, हमने उसको मजबूत किया, ये सब कहते हो, लेकिन जहां जहां डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमएलए थे, गवर्नमेंट थे, उनको गिराने का काम आप ही किया। आप विषय से अलग बट रहे हैं। माननीय प्रतिपक्ष नेता जी, आई एक्सपेक्ट यू टू प्लीज कंफर्म इश्यू। देखो सिंस यू हैव मेड अ वेरी सीरियस रिफ्लेक्शन कंसर्निंग दी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर्स मिनिस्ट्री, लेट अस रिस्पॉन्ड। Come on, please go ahead. Thank you very much for giving me this opportunity. Nothing will go on record. That's it. Factually incorrect statement has been made by the opposition leader. GST samay par nahi milta. Ekdam galat. I even borrowed money and paid the states at least 1 or 2 months in advance each time. GST, no delayed payments on GST. I will give you complete data. I am sorry. And if the states don't give the both the honorable leader of the opposition and honorable finance minister will put the documents on record. Yes. Substantiating their stand. Either side. Do record, it. Sir, during course of the day. Don't give the utilization. We cannot allow parliament. Time. It is. No, we cannot have free fall of information. To blame like this. The statement has been categorically contradicted. Both of them are senior functionaries. They are called upon to put documentation on the table of the house during course of the day. Please, and go ahead. Tough order पे रोका गया है। ये गलत है। LOP की एक बड़ी